मेहंदी रचने वाले आज के एपिसोड तीन चीज देखोगे। सबसे पहला ये आप देखोगे कि राघव जब ईशा को गला दबाया तो पल्लवी आ जाती है, पल्लवी रोक देती है, तो पागल हो राघव, ये लड़की ऐसी वैसी बोल क्यों निकल जाता है। फिर राघव के पीछे पीछे पल्लवी भी आती है, तो पल्लवी पूछते तू क्यों ऐसा कर रहा। राघव उसको उस टाइम बोलने वाला होता है लेकिन वो रोक रुक जाता है, ठीक है किसी तरह, और यह बोलते वो घटिया औरत है, घटिया लड़की है, बात खत्म, ठीक है। अब उसी टाइम दूसरी जगह फरहाद बात करता रहता है कि पता चलता है कि ईशा नाम की जो लड़की है उसके कारण राघव ने बिजनेस छोड़ डील कैंसिल किया, तो उसको पता चलता है कि वही ईशा है क्या राघव का। तो राघव से बात करता है तो पता चलता है कि हाँ वही ईशा है जो अपने भाई को मतलब उसके साथ टाइम पास करते करते अपने भाई को मतलब बहन को माँ को भूल गया था राघव, मतलब यहाँ पे वो भी नफरत करती है। तब यहाँ पे आप देखोगे कि राघव और सनी सनी बोलो कृति बात करेगा, तो कृति बोलेगी एक बात हम हमेशा याद रखू, पल्लवी मेरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड रही थी, हमें अभी भी है, वो मैं कभी नहीं चाहूँगा उसके साथ कुछ बुरा हो। अब मैं मानता हूँ कि सनी के साथ उसका हमेशा आकरा रहता है अलग, लेकिन अभी तक पल्लवी जैसी लड़की मैं कभी नहीं देखा हूँ, उसको तो उसको सब सब बता देना। फिर दूसरी जगह के यहाँ पे पल्लवी जाती है किससे मिलने, ईशा से मिलनी, तो तब पता चलता है कि सच्चाई सामने आता है कि एक्स गर्लफ्रेंड है। तो राघव को बोलता है वो तुम्हारा एक्स गर्लफ्रेंड, हाँ तो सच्चाई बताती है किससे रिश्ता स्टार्ट हुआ, फिर प्यार हुआ, शादी के दिन कैंसिल कर दिया, फिर राघव रोने लगा, पल्लवी प्यार से हलकराते रहते, मतलब यह है आज के एपिसोड कौन सा, मेहंदी है रचने वाली का दोस्त, देखना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।